मैथ परीक्षा की तैयारी करेला मित्रों मेरी यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों आ वीडियो में आप एक प्रश्न सॉल्यूशन करीशू जो क्षेत्रफल ने परिमिति ने लगता है। आ प्रश्न एक मित्र द्वारा रिक्वेस्ट कर एक लंबचोरस की पहोळाई तेरी लंबाई त्रण चतुर्थांश भाग है। लंबचोरस क्षेत्रफल 192 चौरस मीटर हो तो तेनी परिमिति खाली जगह है। तो आ प्रश्न कदाच तुम बीजी कोई बुक में जो अथवा तो अलग रीते कई सॉल्यूशन करेलू जो हे तो यहाँ घो समय लगता है, परंतु आ रीत आ प्रश्न ने अपने यूनिट मेथड की मदद की सॉल्व करीशू जेमा खूब ओछा समय में तुम प्रश्न जवाब मेळवी सको। अहीं आ प्रश्न सॉल्यूशन करता ज पहेला आपणे एना यूनिट जोई लईए। लंबाई लंबचोरस की पहोळाई और तेनी लंबाई त्रण चतुर्थांश भाग है माटे तेनी पहोळाई आपणे लई लईए त्रण यूनिट। पहोळाई बराबर त्रण यूनिट अने लंबाई लई लईए चार यूनिट। सेना परथी अहीं जब पूर्णांक आव्यो एना परथी लई लईए आपणे चार यूनिट, त्रण यूनिट अने चार यूनिट। हवे आपणने लंबचोरसना क्षेत्रफळनुं सूत्र खबर छे के लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। चलो सूत्रमां दरेक किंमत मूकी दईए, क्षेत्रफळ अहींया छे 192 लंबाई गुण्या पहोळाई। अहींया लंबाई थशे 3 यूनिट, लंबाई 4 यूनिट अने पहोळाई 3 यूनिट। त्रण यूनिट ने चार यूनिट गुणाकार करिए तो जवाब आवशे 4 × 12 यूनिट नो वर्ग, केम कि अहीं यूनिट नो अने यूनिट नो पण गुणाकार थशे साथे जवाब आव्यो 12 यूनिट नो वर्ग। यूनिट ने आपणे सामे लाई लईए यूनिट नो वर्ग अने 192 छेदमां 12 करिए, अहीं तमे छेद उड़ाड़शो एटले जवाब आवशे 16। यूनिट नो वर्ग एटले जवाब आव्यो 16। हवे 16 आपणे वर्गमूळ करवू पड़शे तो एक यूनिटनी आपणने किंमत मळशे, तो एक यूनिट बराबर 16 वर्गमूळ काढीए तो जवाब मळे आपणने 4। आथी एक यूनिटनी किंमत केटली मळी 4। चलो अहींयाथी आपणे दाखलानो बीजो भाग शुरू थाय छे, ए छे एनी परिमिति शोधवानी छे। तो परिमिति केटला यूनिट थशे, चलो अहींयाथी आपणे बीजो भाग शुरू करीए। लंबचोरसनी परिमिति, लंबचोरसनी परिमिति बराबर 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, આ પરિમિતિનું સૂત્ર છે। લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। અહીંયા કિંમત મૂકી દઈએ, 2 લંબાઈ લીધી હતી આપણે, 4 પહોળાઈ લીધી હતી 3। આથી 4 × 3 = 7 × 2 = 14। મિત્રો અહીંયા આપણને લંબચોરસની પરિમિતિ મળે છે 14 યુનિટ। અહીંયા આપણને 14 યુનિટ લંબચોરસની પરિમિતિ મળે છે અને એક યુનિટની કિંમત આપણને ખબર છે કેટલા છે 4। તો આપણે 14 યુનિટની કિંમત શોધવી હોય તો 14 × 4 કરીએ તો જવાબ મળશે આપણને 14 × 4 = 56। તો મિત્રો આ થયો આપણા પ્રશ્નનો જવાબ। તો અહીંયા લંબચોરસની પરિમિતિ થશે 56 મીટર